क्लास नाइन्थ के सभी छात्रों का देव क्लासेस हार्दिक स्वागत करता है। देव क्लासेस के माध्यम से आप सभी विषयों की निःशुल्क क्लासें प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा नाइन्थ के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई ट्यूशन कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको सारे महत्वपूर्ण विषय जैसे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की निःशुल्क क्लासें दी जाएंगी, जिसको पढ़कर आप पेपर में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पैटर्न के अंतर्गत में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोज के पहले पार्ट की। प्रोज का पहला पार्ट, जी हाँ, टॉम सायर के नाम से है। टॉम सायर, इस पार्ट की पहले हम लोग थीम समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो थीम हम बता रहे हैं उस थीम के अंतर्गत आप सारे प्रश्नों को स्वयं तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक टॉम सायर नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ही आलसी और कायर टाइप का है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है तो वो अपनी मौसी के यहाँ रहता है। टॉम सायर की जो आंटी थी, मतलब मौसी, उसे बहुत चाहती है क्योंकि उसकी मृतक बहन का बेटा था। वो उसकी हर हरकतों पर ध्यान रखती है और उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। परंतु टॉम एक शरारती लड़का था। एक बार उसने जेम चुराते हुए पकड़ा गया, उसको उसके लिए पनिशमेंट दिया गया, तो उसने उस पनिशमेंट को भी अपने दोस्तों के द्वारा पूरा करवाया। एक बार टॉम की तबीयत ख़राब होती है तो आंटी को जो भी दवाओं का नुस्खा मालूम था उसके अनुसार उसने उसको ठंडे पानी से नहलाया, फिर गर्म पानी से नहलाया, फिर इसके बाद कुछ पेन किलर भी दी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो सभी बच्चों ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को लास्ट तक, और अगर इस वीडियो का नोट्स भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम आपको उसी नंबर पर नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है, टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम, वेयर वाज ही, व्हाट वाज ही डूइंग। इसका मतलब है टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम। टॉम की आंटी ने जब उसे बुलाया तो उसने उत्तर क्यों नहीं दिया। वेयर वाज ही, वह कहाँ था। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। तो इसका सही आंसर है टॉम हैड हियर्ड नियर द कपबोर्ड। टॉम एक अलमारी के पास छुपा हुआ था। ही हैज स्टोन जैम, उसने जैम चुराया हुआ था। एन स्टोलन जैम, उसने जैम चुराया हुआ था। एंड वाज ईटिंग इट, और वह इसे खा रहा था। हिज माउथ वाज फुल ऑफ इट, उसका पूरा मुँह जैम से भरा हुआ था, इसलिए उसने कोई आंसर नहीं दिया। सेकेंड है आपका लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, व्हाई डिड टॉम सेड सो। आंटी आप पीछे की ओर देखो, टॉम ने ऐसा क्यों कहा। लुक बिहाइंड यू, आप पीछे की तरफ देखो आंटी, शाउटेड टॉम। टॉम चिल्लाया बिकॉज मैंने, क्योंकि ही वॉज ए क्लेवर बॉय, क्योंकि वह एक चालाक लड़का था। ही वॉन्ट टू चांस फॉर रन अवे, वह वहाँ से भागने का एक चांस चाहता था। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और वह स्वयं को बचाना चाहता था फ्रॉम हिज आंट, अपनी आंटी की जो डर से वो भागना चाहता था, क्योंकि उसने जैम चुराया था, उसके लिए उसे दंड मिलने वाला था, इसलिए उसने आंटी से इस तरह बोला। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश हिम, हाउ डिड आंट पॉली पनिश हिम। उस गलती के लिए उसे क्या दंड की बात कही गई और आंट पॉली ने उसे क्या दंड दिया। आंट पॉली लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हिज सिस्टर डेथ। आंट पॉली उस बच्चे की, अपनी बहन की मृत्यु के बाद पूरी देखभाल कर रही थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हिम टू ग्रीव अप लेजी एंड वीक, वो नहीं चाहती थी कि यह लड़का दुष्ट और आलसी हो जाए। सी आस्क्ड हिम, इसलिए उसने उसे कहा, टू व्हाइट वॉश माने पेंट करने को, टू फेंस माने दीवार पे, इट वॉज ए पनिशमेंट फॉर हिम, यही उसका दंड था।
बच्चों ये सारी नोट्स हैंड रिटन हैं और सारे सेंटेंसों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो जितना हम लोग सरल कर सकते हैं नोट्स को हमने उतना सरल किया है। इसके बाद भी अगर आपको ये कठिन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम उसके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता आपको बताएंगे जहाँ से आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से याद हो सके। नेक्स्ट अपना, व्हाट वॉज टॉम डूइंग व्हेन बेन वॉज व्हाइट वॉशिंग द फेंस। जब बेन काम कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था? व्हेन बेन वॉज व्हाइट वॉशिंग, जब बेन पेंटिंग करने पे लगा हुआ था तो द फेंस मैंने दीवार पर, टॉम सेट देयर, टॉम वहाँ बैठा हुआ था वॉचिंग मैंने देख रहा था, एंड ईटिंग एन एप्पल गिवन बाई बेन, तो वह बेन के द्वारा दिए हुए सेब को खा रहा था। नेक्स्ट अपना, व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम व्हाइट वॉश। टॉम को उस दीवार में पेंटिंग के बजाय कौन कौन सी चीज़ें मिली? इसमें था द टॉम गॉट द बेस्ट थिंग, टॉम को कुछ बेस्ट वस्तु मिली, क्या मिली? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के द्वारा। ही गॉट एन एप्पल फ्रॉम बेन, उसको बेन के द्वारा एक सेब मिला, फ्रॉम अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों के द्वारा। ही गॉट 12 मार्बल्स, उसने 12 कंचे प्राप्त किए, 18 सोल्डर, एक टीन का सिपाही, ए की एक चाबी, ए डॉग कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे की 4 पीस, ये उसने प्राप्त किए। नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर 6, व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक टू पेन किलर, टॉम को पेन किलर क्यों नहीं पसंद थी? होम डिड ही गिव इट टू, वह इसे किसे दे दिया? द पेन किलर वॉज ए न्यू मेडिसिन, पेन किलर थी वो ऑन्ट पोली की तरफ से एक नई दवा थी। ही हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका जो स्वाद था वो बिल्कुल आग की तरह तीखा था, सो ही डिड नॉट लाइक इट, इसलिए वह इसे पसंद नहीं करता था। ही गेव इट टू ए कैट, और उसने ये जो दवा थी वह एक बिल्ली को दे दी। नेक्स्ट अपना, व्हाट इफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट, जो उस पेन किलर का इफेक्ट था वो बिल्ली के ऊपर क्या और कैसे पड़ा? व्हेन टॉम पावर्ड सम मेडिसिन, जब टॉम ने कुछ दवा उड़ेल दी, इन टू द माउथ ऑफ कैट, बिल्ली के मुंह में कुछ दवा उड़ेल दी, देन में तब इट जंप, तो वह कूदी हाई एंड हाई ऊपर की तरफ, इन टू द एयर, तो वह हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचने लगी। ऑन इट्स बैक लेग्स, वह अपने पुराने पिछले पैरों पर नाचने लगी। इट रन अबाउट एस इफ इट वेयर मैट, वह इतनी तेज दौड़ी लग रहा था कि वो पागल हो गई है। नेक्स्ट है आपका, टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर बट हिज आंट वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, व्हाई? इसका प्रश्न का अर्थ है कि टॉम ने पेन किलर को नहीं लिया, इसके बाद भी उसकी आंटी उससे नाराज नहीं थी, भाई मैंने क्यों, इसका कारण क्या है? व्हेन इज आंट सा द बोटल ऑफ बोटल कॉमा द स्पून एंड सोसर, जब उसकी आंटी ने उस पेन किलर की बोतल देखी, चम्मच देखी, तस्तरी दिखी, ही गेस्ट द मैटर, तो सारा मामला समझ गई। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मनी की द मेडिसिन वॉज नॉट गुड फॉर हिम, यह दवा इसके लिए उपयुक्त नहीं है, सो ही वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, इसलिए वह उससे नाराज नहीं हुई। सभी क्लास 9th के छात्र एक बार ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्या ये वीडियो आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इससे आपको क्या हेल्प मिली, और इसमें और क्या आपको चाहिए, मतलब आपको इस चैप्टर के अंतर्गत इस
प्रश्न उत्तर के अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए ये चीज़ आप बता सकते हैं, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं। आप अपने विद्यालय में, आप अपने पड़ोस में, आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं या जिनको ज़रूरत है किसी कोचिंग की, आप उन सभी लोगों को ये नोट्स सेंड कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, ये संपूर्ण कोर्स कक्षा 9th का संपूर्ण कोर्स आपको दिया जाएगा, इसलिए किसी भी जगह कहीं कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पैसे बर्बाद नहीं करने हैं क्योंकि आपको निःशुल्क कोचिंग ऑनलाइन की प्राप्त होती है। तो सभी छात्र इस वीडियो को वॉच करते हुए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जैसे ही पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उन सभी चैप्टर का आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।